नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जैसे ही वोटिंग परसेंटेज का डेटा चौथे चरण में थोड़ा ज्यादा आया है, बाजार रॉकेट हो गया है। और इस रॉकेट हुए बाजार में अगर कोई शेयर सबसे ज्यादा भाग रहा है तो वो कोई एक कंपनी नहीं, एक ग्रुप है, एक परिवार है, और वो ग्रुप परिवार है सरकारी कंपनियों का। पीएसयू स्टॉक अलग अलग क्षेत्र से तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं। चाहे आप रेलवे स्टॉक्स को उठा के देख लो, डिफेंस को उठा के देख लो, या फिर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड पे, बहुत खराब नंबर आए थे कंपनी के, लगभग 4% ओपन मार्केट में शेयर भी टूटा। लेकिन कहां फर्क पड़ रहा है जब पूरा ग्रुप भाग रहा है? तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक तूफानी रफ्तार से भागा है। वो तो हमने आपके साथ जब वीडियो बनाई तो स्टॉक के प्राइस में गिरावट की प्रिडिक्शन भी करी, लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, जब तक 190 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक मत बेचना। 193 की क्लोजिंग थी कल, 190 एक बार नीचे में ब्रेक कर दे तो ये मे बी 175-170 तक के लेवल्स दिखा सकता है, जो कि एंट्री का लेवल बन जाएगा। कल वाली वीडियो जाके देखना, नॉर्मली जब इस तरीके के केसेस होते हैं लोग वीडियो भी डिलीट करते हैं। मैं आपके साथ ये एक सिंपल व्यू था कि सरकारी कंपनी है, चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव ही बना हुआ है, तो मोमेंटम इंटैक्ट हो सकता है। तो अगर ब्रेकडाउन होगा तो निकलेंगे, अदरवाइज बने रहेंगे। अब जिस लोग जो लोगों को लेवल का वेट कर रहे थे वो लेवल मिला नहीं और शेयर शूट कर गया। देखो 204 की क्लोजिंग आई है, 4.5% ये शेयर भाग गया खराब नंबर्स के बाद। तो ये चीज तो एक ही चीज दर्शा रही है कि सरकारी कंपनियों में तूफानी रफ्तार से तेजी आ रही है, कहीं भी पैसा लगा दो बन जाएगा। और ये सब केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़कर आई है, लोगों की उम्मीद है दोबारा से ये होगी। इस समय ना एक कैलकुलेशन चल रही है बाजार में, वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज यानी कि बीजेपी की सीट इंक्रीज, वोटिंग परसेंटेज डिक्रीज यानी कि बीजेपी की सीट डिक्रीज। और पहले तीन चरणों में वोटिंग परसेंटेज डिक्रीज हुआ, बाजार गिरता हुआ देखा आपने, चौथे में पॉजिटिविटी आई, बाजार ऊपर हो गया, रॉकेट हो गया, इतना हो गया कि लाइफ हाई से केवल 200 पॉइंट रह गया है अब तो निफ्टी, और स्टॉक्स में तो आग लगी हुई है। वहीं अगर बात करें अगले चरण की तो आपके लिए मंडे को महाराष्ट्र में भी वोटिंग होनी है, वहां से एक फिर डेटा आएगा, कैसा आता है वो देखने वाली बात होगी, ट्यूसडे को रिएक्ट करेंगे हम उस पर। तो सरकारी कंपनियों में बड़ी तूफानी तेजी है। आप कोई भी स्टॉक उठाओ, चाहे रेलवे से IRFC लो, RVNL ले लो, इरकॉन इंटरनेशनल ले लो, टीटा का रेल सिस्टम ले लो, कोई भी, आज तो हमारा IRCTC भी रॉकेट कर गया, तो मतलब अलग ही लेवल की तेजी है। आप देखें डिफेंस क्षेत्र में, अच्छा तेजी सरकारी कंपनियों में, लेकिन उन कंपनियों में जिनमें फोकस है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, मजगांव डॉक ले लीजिए शिपिंग में, आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ले लीजिए, आप एयर स्पेस में जाएंगे तो फिर आपको एयर डिफेंस में, माफ कीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा HAL, BDL, BEL, HAL आज तो नहीं चला, कल ही इतना चल गया कि आज चलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे कहाँ पैसा लगाया जाए ये अगला सवाल उठता है। एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, सरकारी कंपनियों में बहुत बड़ा पैसा बना है बीते 2 सालों में, और बीते 20 सालों में सरकारी कंपनियों ने पैसा नहीं बनाया इन 2 सालों, अदरवाइज गवर्नमेंट स्टॉक यानी कि केवल डिविडेंड स्टॉक्स। हम लोग क्या कहते थे, REC PFC ले लो 8-9% की डिविडेंड यील्ड है, कोल इंडिया ले लो 10% की डिविडेंड यील्ड है, HPCL BPCL ले लो 11-11% की डिविडेंड यील्ड है। आज की डेट में ये डिविडेंड यील्ड नहीं दे रहे हैं, ये रिटर्न्स दे रहे हैं, ये पोर्टफोलियो में पैसा दे रहे हैं। और जो हमारा एक डिविडेंड वाले स्टॉक्स को लेकर व्यू था ना, वो बदल गया है, अब ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बन चुके हैं। अब ये एक ऐसी जर्नी देख रहे हैं जो आपने मैंने देखी नहीं, तो क्या प्रिडिक्शन करनी? सिंपल है, गवर्नमेंट खुद, देखो सबसे बड़ा पैसा तो गवर्नमेंट ही छाप रही है, बस फर्क इतना है कि पहले सरकार डिविडेंड के रूप में टाइम टू टाइम पैसा ले लेती थी, अब सरकार का शेयर बढ़ता है, शेयर बेचती है तो पैसा आता है, और सरकार दबा के बेचती रहती है, टाइम टू टाइम OFS आपके लिए भरपूर आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, जिस हिसाब से पैसा बन रहा है वो बिकवाली करती रहेगी गवर्नमेंट। अब मेरा मानना है कि कहाँ पैसा लगाया जाए, तो पैसा भैया देखो सरकारी कंपनियां ये देखकर मत लगाओ, पैसा लगाओ ऐसी जगह जहां ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल डिफेंस जो है ना वो गवर्नमेंट है प्लस ग्रोथ है, डबल बेनिफिशियरी हो गया, लगा सकते हैं पैसा। अब मैंने केवल सरकारी की, भाई साहब आपका गेल भी सरकारी है, भेल भी सरकारी है, लगा दिया पैसा, लेकिन एग्जीक्यूशन पावर कितनी है भेल के पास, और गेल के तो रिजल्ट ही खराब थे, तो कंफ्यूजन मेरे लिए बन रहा है, तो वहां मैं नहीं लगाऊंगा। मैं कहाँ लगाऊंगा, डिफेंस में लगा दूंगा, मैं बैंकों में लगा दूंगा, क्योंकि वहां पे ग्रोथ अभी ऑलरेडी आ रही है, प्लस आपका रेट कट होगा तो और ज्यादा ग्रोथ आएगी।
तो ये सरकारी रेलवे की बात करें तो बजट से पहले वैसे ही एक्टिव होते हैं, तो हो रहे हैं और लगा सकता हूं मैं पैसा, टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो ये सारी चीजें जब, बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि फोमो का शिकार मत होइएगा, जो है उसमें बैठे रहो, और बेचने की जल्दबाजी तो गलती से भी मत करना, क्योंकि पैसा यहाँ बन नहीं रहा है, छप्पर फाड़ बनना है, तो बनने दो आराम से जितना बन रहा है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने देखा, क्लोजली वॉच करा बीते दिन की, बीते 3 दिन की तेजी में सरकारी कंपनियों में आग लग गई है, चाहे कोई भी स्पेस हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन स्टॉक्स को पकड़ के बैठे रहना, फ्रेश एंट्री के लिए तो डर बनता है, वो जायज है, अब जब मौका मिलेगा तब आप देखना। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।